हाँ तो दोस्तों, आज हम हिंदी 100 मार्क्स के सेट 7 को देखेंगे। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म हुआ था। मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म 1442 ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास की अभिरुचि किसमें थी। सूरदास की अभिरुचि पर्यटन में थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे। तुलसीदास के शिक्षा गुरु सेठ सनातन जी थे। फिर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास किसके शिष्य थे। नाभादास अग्रदास के शिष्य थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवराज भूषण किसकी कृति है। शिवराज भूषण भूषण की कृति है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कामयानी प्रसाद की कैसी कृति है। कामयानी प्रसाद की प्रबंध काव्य कृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 में ईस्वी में हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 को हुआ था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भागवत इतिहास और संस्कृति किस विषय से संबंधित है। भागवत इतिहास और संस्कृति जो है इतिहास से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है। अधिनायक शीर्षक कविता के कवि रघुवर सहाय हैं। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यारे नन्हे बेटे को किसकी कृति हुई कविता है। प्यारे नन्हे बेटे को किसकी लिखी हुई कविता है, तो वो है विनोद कुमार शुक्ल की कविता है। प्यारे नन्हे बेटे की किसकी कविता है, वो है विनोद कुमार शुक्ल की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक वाजपेयी की माँ का नाम क्या था। अशोक वाजपेयी की माँ का नाम निर्मला देवी था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ज्ञानेंद्रपति जी किस युग के कवि हैं। ज्ञानेंद्रपति जी आधुनिक काल के कवि हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु कब हुई थी। बालकृष्ण भट्ट की मृत्यु 20 जुलाई 1914 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट की माँ का क्या नाम था। बालकृष्ण भट्ट की माँ का नाम पार्वती देवी था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकृष्ण भट्ट जी ने किस शब्द कोश का संपादन किया। बालकृष्ण भट्ट जी ने हिंदी शब्द कोश का संपादन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति क्या थी। तो चंद्र शर्मा गुलेरी की वृत्ति थी अध्यापन। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, गुलेरी जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। गुलेरी जी ने समालोचक पत्रिका का संपादन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे। मतलब काशी नगरी प्राचारणी पत्रिका के गुलेरी जी क्या थे, मतलब लेखक थे कि कवि थे कि संपादक थे कि संचालक थे, तो वो थे संपादक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती जी किसकी पुत्री थी। पार्वती जी जो थी वो ब्रजकिशोर प्रसाद की पुत्री थी। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, जयप्रकाश जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई थी। तो जयप्रकाश की प्रारंभिक शिक्षा जो घर पर हुई थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्होंने किस स्कूल में प्रथम दाखिला लिया। मतलब जयप्रकाश नारायण जो थे सबसे पहले वो किस स्कूल में दाखिला लिए, तो वो पटना कॉलेज एक्ट में दाखिला लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर की जो रचना का नाम है अर्धनारीश्वर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर जी किस सभा के संपादक थे। दिनकर जी थे जो वो राज्यसभा के संपादक थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिनकर को कौन सा राष्ट्रीय सम्मान मिला था। दिनकर जी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञेय हिंदी के अलावा किस भाषा के जानकार थे। अज्ञेय जो थे हिंदी के अलावा संस्कृत भाषा के जानकार थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, अज्ञेय की अभिरुचि किसमें थी। अज्ञेय जो थे उनकी अभिरुचि बागवानी पर्यटन अध्ययन आदि में थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1941 ईस्वी में भगत सिंह किस पार्टी की ओर आकर्षित हुए। 1941 ईस्वी में भगत सिंह गदर पार्टी की तरफ आकर्षित हुए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, भगत सिंह के सदैव किसका चित्र पॉकेट में रखते थे। भगत सिंह जो थे वो करतार सिंह सराय का चित्र हमेशा पॉकेट में रखते थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत सिंह किस उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए। भगत सिंह जो थे 12 वर्ष के उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय हुए।
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, माथुर जी को किस उपाधि से विभूषित किया गया। माथुर जी को विद्या वारिष्ठि के उपाधि से विभूषित किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगदीश चंद्र माथुर को कौन अवार्ड मिला था। जगदीश चंद्र माथुर को कालिदास अवार्ड मिला था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मेरी बांसुरी एकांकी का किस पत्रिका में प्रथम प्रकाशन हुआ था। मेरी बांसुरी एकांकी जो था वो किस पत्रिका में सबसे पहले प्रकाशित हुआ था, तो वो था सरस्वती। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुर जी के निबंध कैसे हैं। माथुर जी के जो निबंध है वो ललित हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन राकेश का जन्म कब हुआ था। मोहन राकेश का जन्म 8 जनवरी 1925 को हुआ था। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, बिश्नी किस एकांकी का पात्रा है। बिश्नी जो थी वो किस एकांकी की पात्रा है, तो वो है सिपाही की माँ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं इसे अभी मार दूंगा, अभी इसकी बोटी बोटी अलग कर दूंगा, किसने कहा था। मतलब यह लाइन जो है किसने कहा था, तो यह लाइन मानक ने कहा था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, नहीं मानक तू इसे नहीं मारेगा, यह भी हमारी तरह गरीब आदमी है, किसने कहा था। यह जो श्लोक है, यह जो लाइन है, यह किसने कहा था, यह जो लाइन जो है बिश्नी ने कहा था मानक को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामवर सिंह किस पत्रिका के संपादक थे। तो नामवर सिंह आलोचना पत्रिका के संपादक थे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, सूर सागर क्या है। सूर सागर जो है चंपू काव्य है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामयनी किसकी महाकृति है। कामयनी जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृति है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी के किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार है। ओम प्रकाश जो है हिंदी से दूर जुड़े किस महत्वपूर्ण रचनाकार हैं, तो वो है दलित आंदोलन से जुड़े थे वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। कौन रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा, तो वो थे ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रोज ओम प्रकाश वाल्मीकि को किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया। एक दिन ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन किस हेडमास्टर ने कमरे में बुलाया, तो वो थे चंदूराम। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, मलेच के पिता का क्या नाम था। मलेच के पिता का नाम त्रिलोकीनाथ था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मलेच के माता का नाम था। मलेच का माता का क्या नाम था, तो वो था सीता। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक हैं। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक जो हैं वो है भरत जी श्रीवास्तव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, तिरछी लेख का संधि विच्छेद किससे है। तिरछी लेख का संबंध किससे है, तो वो जो तिरछी है उसका संबंध लेखक के पिता से है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, उदय प्रकाश जी किस पत्रिका का सहायक संपादक थे। तो उदय प्रकाश जी सडेमेल पत्रिका के सहायक संपादक थे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।